फीमेल एक पे बैठी हुई है और एक दो तीन चार अंडा है इसमें। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सैकत, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बर्ड से मैं एक नए वीडियो में करता हूं बहुत बहुत स्वागत। और तो फ्रेंड्स, इस सीजन में बहुत ही सरप्राइज वीडियो आ रहा है, मतलब और सरप्राइज प्रोग्रेस भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि मतलब कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे इस पेयर अफ्रीकन ग्रे पैरोट का बेबी आप लोगों ने मैंने दिखाया था, जो बेबी थोड़ा बड़ा हो गया था लेकिन मैंने हैंड फीडिंग से उन लोगों को नहीं निकाला था। तो उस साइज का बेबी मतलब यहाँ पे ये पेयर ने प्रोड्यूस किया था जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ महीना लगभग अभी वन मंथ भी हो रहा है उनका बेबी को मैंने हैंड फीडिंग पे निकाला। और उनका बेबी का अभी हैंड फीडिंग चल रहा है, मतलब वो अभी तक पूरा का पूरा सेल्फ फीडिंग में नहीं आया। दिन भर में अभी भी उनको दो टाइम मुझे हैंड फीडिंग देना पड़ता है, लेकिन अभी भी मतलब वो चिक्स अभी भी सेल्फ फीडिंग पर नहीं आया। फिर भी इतना जल्दी ये पेयर ने फिर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस किया होगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, लगभग 7-8 दिन हो गया मेल जो है बाहर बैठा रहता है और कंटिन्यू, और फीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही रहता है, नेस्ट बॉक्स से बाहर नहीं निकलता। तो अभी तक तो मैंने उनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक नहीं किया है, क्या प्रोग्रेस है, क्या है नहीं है, अगर अंडा ले किया या फिर ऐसे बैठा है या फिर करेंगे कुछ, हमको पता नहीं। अभी तक तो मैंने चेक नहीं किया, जस्ट आप लोगों के सामने मैं चेक करूँगा क्या प्रोग्रेस है नहीं है। लेकिन जितना मुझे देख के लग रहा है, उसका मेल का जो एटीट्यूड है वो देख के मुझे 100% कन्फर्म लग रहा है कि एक जरूर ले किया होगा। क्योंकि मेल जब भी मैं मतलब खाना देने जाता हूँ इन लोगों को, सुबह का फ्रूट हो गया या फिर सीड्स हो गए, जब भी देने जाता हूँ तब क्या करते हैं, मेल जो है पूरा एग्रेसिव हो जाता है, मतलब सामने आने नहीं देता। यहाँ मतलब खाना देने का जगह मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है, आइए आप लोग। और तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे मतलब सीड्स का जो ट्रे है वो लेके आता हूँ या फिर फ्रूट्स का, और यहाँ से गेट खोल के अंदर यहाँ पे मैं उनको खाना देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं उनको सीड्स खाना ये सब प्रोवाइड करता हूँ इस ट्रे में। ठीक है, और जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे मेल जो है पूरा एग्रेसिव होकर ऊपर चल जाता है, मतलब पूरा पंख फुला के बैठा रहता है। और अभी देखिए मेल कहाँ बैठा है, आप लोगों को देखा शायद मिलेगा ऊपर, ये देखिए मेल बॉक्स का साइड में बैठा है। हाँ, आप लोग देख पा रहे फ्रेंड्स, और फीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही है, अभी तक नहीं निकला है बॉक्स से। तो चलिए एक बार अंदर जाके ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो अभी आ गए बॉक्स के ऊपर, और देखिए अब हम लोग चेक करते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, पहले नॉक कर देते हैं, चलिए अभी अंदर देखते हैं खोल कर क्या प्रोग्रेस है नहीं है। शायद आप लोग देख पा रहे हैं फीमेल बैठी है, ओ वाओ सो लवली, ये फीमेल एक पे बैठी हुई है और एक दो तीन, हाँ तीन नहीं चार अंडा है इसमें, फोर एक दिए ना, हाँ हाँ, फीमेल पूरा का पूरा एग्रेसिव हो रहा है। अब चलिए इसको और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सरप्राइजिंग से प्रोग्रेस देख के मुझे तो बहुत खुशी है, मतलब मैंने इतना एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब इतना मुझे मतलब मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि अभी एक ही सीजन में दो क्लच बेबी आ जाएगा अफ्रीकन ग्रे पैरट के, मैंने सोचा ही नहीं था। जस्ट अभी उन बेबी का सेल्फ फीडिंग नहीं हुआ, वो लोग अभी भी हैंड फीडिंग करते हैं, और अभी देखिए इसका पेयर ने दूसरे मतलब एक फिर से एक ले कर दिया। तो चलिए अभी चार एक तो दे दिया, और ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करें। पिछले बार तो दो बेबी प्रोड्यूस किया था, मतलब दो बेबी आए थे उनके एक से, बहुत ही हेल्दी एक बेबी आया था, बहुत ही अच्छा बेबी आया था। इस बार का प्रोग्रेस हम लोग देखेंगे कैसा बेबी आता नहीं है, और अभी इन लोग को डिस्टर्ब और नहीं करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इतना जल्दी ब्रीडिंग में आने का एक कारण ये है कि इनको अब बहुत अच्छा सा फूड, सफिशियंट फूड, एक अच्छा सा फूड, बैलेंस फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो सब बहुत सुबह को एकदम बहुत अच्छा क्वांटिटी में फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, और शाम का टाइम एक मिक्स सीड प्रोवाइड करते हैं जिसमें पैलेट्स वगैरह, नट्स वगैरह, अभी तो ये सारा बहुत चीज़ खा के एक नीचे गिरा दिया है, नहीं तो इसमें बहुत सारा खाना रहता। ठीक है, और दो तीन टाइप का सनफ्लावर सीड्स रहता सिर्फ, उसके बाद ओट्स वगैरह, कैनरी सीड या फिर नट्स वगैरह, ये सब अवेलेबल होता है इसमें। ठीक है, और ये सब खा के इतना अच्छा मतलब डाइट है, इसीलिए इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए अभी इसको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए आप, मतलब ये जो ग्रे पैरट का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो एक मतलब बहुत ही जगह मैंने बहुत ही ज़्यादा गाच पेड़ से घिरा हुआ है, जिसके कारण से वो सेटअप थोड़ा सा अंधेरा रहता है हमेशा, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा धूप उसमें आते रहता है, और चारों तरफ से ये गाछ से घिरा हुआ है, इसीलिए ये और एक भी कारण, ये नेचर का कारण भी इतना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस मिलने का ये कारण, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इतना अच्छा नेचर के वजह से, इतना अच्छा वेदर के वजह से इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस इतना अच्छा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।